20 ग्रुप अकाउंटिंग फॉरेन करेंसी। चल बता दीजा। बोलू क्या? हाँ बोलना बिंदास। ठीक है, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन इन द इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी वर कवर्ड अर्लियर इन दिस चैप्टर। फॉरेन करेंसी अपन ने पहले किया था, फॉरेन करेंसी वाले चैप्टर में। द फंक्शनल करेंसी इज द करेंसी ऑफ द प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वेयर द एंटिटी ऑपरेट्स। इन मोस्ट केसेस दिस विल बी द लोकल करेंसी। फंक्शनल करेंसी इज द लोकल करेंसी एंड द प्रेजेंट The currency in which the entity presents its financial statements, which can be उसका local currency as well as the currency in its dealing with the other currency. तो जिसमें वो अपनी books present करता, that's called as presentation currency. Consolidation of a foreign operation. The functional currency used by a subsidiary to prepare its own individual accounting records and financial statements may differ from the presentation currency used for the group financial statement. Therefore, prior to adding together the asset, liability, income, and expense of the parent and subsidiary, the financial statement of an overseas subsidiary must be translated. Basically, ये कहना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल अपन डॉलर में वर्क करते हैं और सामने वाला दिनार में काम करता है, तो जब अपन उसकी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो फिर उसके दिनार को अपन को डॉलर में कन्वर्ट करना रहेगा, बिकॉज अदरवाइज अपन कैसे कंसोलिडेट करेंगे। सो वी नीड टू डू यूज द फॉरेक्स फॉर द कन्वर्जन। Progression in previous exam, you did not have to consolidate a subsidiary that uses a different currency than the rest of the group. ठीक है? Translating the subsidiary's financial statement, the rule for translating an overseas subsidiary into the presentation currency of the group are as follow. Income, expense, and other comprehensive income are translated at the exchange rate in place at the date of each transaction. The average rate for the year may be used as एंड अप्रोक्सीमेशन। सो बेसिकली अगर अपन इनकम एक्सपेंस या ओसीआई है अपना जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है और उसका अगर अपन कन्वर्जन कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम दिनार टू डॉलर, तो विल यूज द एवरेज रेट विच विल बी गिवन इन द क्वेश्चन फॉर द कन्वर्जन। देर आर थ्री रेट्स दैट आर बीन प्रोवाइडेड, वन इज ओपनिंग, वन इज एवरेज एंड वन इज क्लोजिंग। तो विल यूज द एवरेज रेट व्हेन इट कम्स टू इनकम एक्सपेंस एंड ओसीआई। एसेट्स एंड लायबिलिटी आर ट्रांसलेटेड एट द क्लोजिंग रेट ऑफ द एक्सचेंज। तो बेसिकली जब वो क्लोजिंग रेट पे रहेगा तो उसे क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट करेंगे, जब वो एट एक्विजिशन रहेगा तो उसको ओपनिंग रेट पे करेंगे। वैसा द एग्जाम्पल रन थ्रू द चैप्टर एंड इज यूज टू इलस्ट्रेट द बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कंसोलिडेटिंग एन ओवरसीज सब्सिडरी। ड्रैगन ब्रॉट 90% ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ टैटू फॉर दी दिनार 1800 मिलियन ऑन 1800 ही होगा ना, नहीं 180 मिलियन। On 31st December 2000, the retained earnings of the tattoo at this date were dinar 65 million. The fair value of the NCI at the acquisition date was 14 dinar million. Dinar 14 million. The financial statement of Dragon and Tattoo for the year ended 31st December 2001 are presented as below. Statement of profit and loss, Dragon or Tattoo diya hua hai. Now, if you see, Dragon mein dollars mein diya hua hai and Tattoo mein dinars mein diya hua hai, and revenue, cost, and profit diya hai. Statement of financial position. Dragon tattoo again, dinar and dollar difference is given, and we have the normal things. ठीक है? फिर there has been an intra-group trading. Goodwill arising on the acquisition of tattoo is not impaired. The presentation currency of the consolidated financial statement is dollar. अपन को प्रेजेंटेशन करेंसी दिया डॉलर, मतलब अपन को प्रेजेंट करना है अपना स्टेटमेंट इन फॉर्म ऑफ डॉलर, मतलब दिनार के जो भी आइटम्स रहेंगे वो डॉलर में कन्वर्ट होंगे। एक्सचेंज रेट एज फॉलो, इन द स्टार्ट ऑफ द ईयर वी हैव थ्री, इन द एंड ऑफ द ईयर वी हैव टू, मतलब ओपनिंग इज थ्री, क्लोजिंग इज टू एंड द एवरेज रेट इज 2.6। रिक्वायर्ड क्या है टू फाइंड फॉर इंक्लूजन इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड ओसीआई फॉर द ईयर एंड 31st December, कैलकुलेट रेवेन्यू एंड कॉस्ट एंड फॉर इंक्लूजन इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पोजीशन वी हैव टू कैलकुलेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स शेयर कैपिटल लायबिलिटी। ठीक है? तो बेसिकली अपन को बोला है $1 इज इक्वल टू 3 दिनार। ठीक है? हाँ, तू तू अनम्यूट करेगा तो बोल पाएगा। एक्सेल एक्सेल खोल लेता हूँ मैं कैलकुलेशन में। हाँ ठीक है, कौन सा वाला डॉलर में है? ड्रैगन वाला डॉलर में है। ड्रैगन देखो, इसमें ऐसे नहीं करना रहेगा, देखो इसमें ऐसे नहीं बनाना है,
को बस डायरेक्टली रेवेन्यू लिखना है, ठीक है वैसे कर ले। ए टोटल, ठीक है रेवेन्यू लिख दिया। तो ड्रैगन का अमाउंट लिख दे, अभी तो लिख ही रहा है। तो ओके okay. उधर वो मेंशन करना मत भूलना कि डॉलर और डिनार, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले रेवेन्यू में 1200 1000, और यहाँ पर भी उन्होंने बोला था कि मेरे को एक्सपेंस इन इनकम एक्सपेंसेस के लिए एवरेज रेट लेना है, सो 600 डिवाइडेड बाय एवरेज 600 डिवाइडेड बाय और रेट एवरेज नीचे दिया था ना, नीचे नीचे रेट नीचे 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 ना 2.6, 2.6। और यहाँ पे 450 450 डिवाइड बाय 2.6। ₹25.7 आ रहा है फिलहाल के लिए प्रॉफिट। ठीक है फिर मतलब ऐसे प्रॉफिट का बोला है फाइन करने के लिए। अभी मैंने रेवेन्यू कॉस्ट बोले तो मैंने प्रॉफिट भी ढूंढ लिया, ऐसा किया मैंने। अभी यहाँ पर मुझे क्या देखना है, सब कुछ ना, यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स देख ऐसा है कि तुझे जो बोला है वही तो कैलकुलेट करना। हाँ हाँ तो अभी सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 290, इन्वेस्टमेंट इज 60, करंट एसेट्स इज 150, शेयर कैपिटल इज 10 एंड लाइबिलिटीज इज 200। अभी यहाँ पे मेरे को क्लोजिंग रेट मेरा 2 है, तो लाइबिलिटी के इसमें मेरे को 2 लेना है ना, तो अभी यहाँ पर 270 डिवाइड तेरे बाय, यहाँ पे भी बारिश हो रही है? हाँ नहीं क्रेजी हो रहा है, क्रेजी। 130 डिवाइड बाय 2 डिवाइड इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएगा? बाय 2, इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएगा। हाँ कुछ नहीं डाला मैंने नहीं इन्वेस्टमेंट होगा। हाँ मतलब मैं ये कह रही हूँ इन्वेस्टमेंट 60 भी नहीं आएगा। डिवाइड 2 इतना ही ना। रेवेन्यू आया 1430.8, ठीक है 1173.1, ठीक है पीपी 425.60। अच्छा इन्वेस्टमेंट उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। एलिमिनेटेड एंड कंसोलिडेशन, मतलब वो इन्वेस्टमेंट इन वो होगा ना तो हम टैटू इसको शो ही वैसा। नहीं करेंगे बिकॉज दिस इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट मेड इन टैटू। ठीक है फिर करंट एसेट्स 215, शेयर कैपिटल ड्रैगन ओनली, ये तूने मेरे को रोका नहीं यार। शेयर कैपिटल सिर्फ ड्रैगन का, मतलब इसका पेरेंट का ही आता है सॉरी दिस वन, माय बैड आल्सो। शेयर कैपिटल सिर्फ पेरेंट का डालते हैं, कोई ना ट्रांसलेटिंग गुड बता। Goodwill should be calculated in the functional currency of the subsidiary. According to IAS 21, goodwill should be treated like other assets of the subsidiary and translated at the reporting date using the closing rate. Goodwill जो होता है वो reported closing rate पे transfer किया जाता है, and normal goodwill का calculation रहेगा, illustration दे देते हैं, and we calculate goodwill for subsidiary. So for subsidiary will always transfer, मतलब I think इवेंचुअली वी ट्रांसफर इट इन टू द रेट विच विल डू, ठीक है। यूजिंग द इन्फॉर्मेशन इलस्ट्रेशन वन कैलकुलेट गुडविल फॉर द ड्रैगन ग्रुप बाय 31st। तो दिस इज पूरा सोल्यूशन, क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन पे जाकर गुडविल निकाल लें। नॉर्मल ओके 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 गुडविल है। ठीक।
इसी क्वेश्चन में अपने ओवर गुडविल दिखाना है, तो सर सबसे पहले अपन इन्वेस्टमेंट्स से स्टार्ट करेंगे। मतलब अपने को वो बोल रहे इन्वेस्टमेंट, क्या, तो कि वो नेट एसेट्स वगैरह बनाना है वैसा ना। हाँ नेट ओके एसेट्स बनेगा और गुडविल बनेगा, और कुछ नहीं जाता ना, गुडविल में नेट एसेट्स का ही जाता है, मतलब एनसीआरबीआर ही नहीं बनेगा। ओके तो नेट एसेट्स बनेगा में पर्टिकुलर्स एट एक्विजिशन एट रिपोर्टिंग फिर पोस्ट एक्विजिशन। फिर यहाँ पे शेयर कैपिटल, यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग्स, तो इन दोनों का जो समेशन होगा इसको मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एक्चुअली मेरे को पोस्ट एक्विजिशन की फिलहाल तो जरूरत नहीं होगी, बिकॉज सिर्फ गुडविल ही निकालना है, गुडविल के लिए इतना ही चाहिए ना। ठीक है, शेयर कैपिटल मेरा कितना है, 5 और 5। रिटेन्ड अर्निंग्स मेरा कितना था, अदर द रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ टैटू ऑन दिस डेट, मतलब ऑन द एक्विजिशन डेट, 65 दिनार्स। अच्छा, सो 65 डिवाइडेड बाय 2, 3, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग अपना 3 से था है ना। क्या 65? नहीं, सब्सिडरी का है ना, तो पूरा सब्सिडरी का जैसा है वैसे ही करते जा। मतलब पहले सिर्फ इसमें दिनार में करूं, और फिर दिनार में सब कुछ हो जाने के बाद क्लोजिंग। बोल बोल। मतलब डायरेक्ट बिल जो है ना उसी के अंदर इट विल गो एज दिस, क्या बोलते हैं, गुडविल पूरा कैलकुलेट करने के बाद यू विल कैलकुलेट इनटू द डॉलर टर्म्स। व्हाई? बिकॉज वी कैलकुलेट दिस ऑल इन द दिस फॉर्म ना, दिनार फॉर्म। सब्सिडरी का निकालते हैं नेट एसेट पूरा, तो पूरा वैल्यू गुडविल में भी सब्सिडरी का ही गुडविल निकलता है, उसके बाद भी कैलकुलेट द फाइनल आउटकम। ओके तो पहले सिर्फ दिनार का तो रिटेन्ड अर्निंग्स हो जाएगा 65, और क्लोजिंग में मेरा जाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स था 215। या तो मतलब वो सब दिनार का ही चल रहा है ना, यू डोंट हैव हाँ टू कन्वर्ट, यू डोंट हैव टू कन्वर्ट राइट नाउ, बट इवेंचुअली यू विल। तो मेरे को नेट एसेट्स एट एक्विजिशन तो मिल गया, रुक जा, गुडविल तो इसमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट मैंने कितना किया था मुझे वो चाहिए, देन नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, देन फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई अगर होगा तो, इम्पेयरमेंट्स अगर कुछ होंगे तो इसमें ऐसे होगा कि इन्वेस्टमेंट। इम्पेयरमेंट, यू नो व्हाट, इन्वेस्टमेंट, नेट एसेट एट एक्विजिशन, फेयर वैल्यू ओपनिंग, फिर बाद में गुडविल एट एक्विजिशन, और फिर इम्पेयरमेंट लिखने का। इम्पेयरमेंट के पहले गुडविल एट एक्विजिशन लिखने का, एंड फिर गुडविल, इम्पेयरमेंट, अच्छा एंड फिर गुडविल लिखने का, ठीक 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 मतलब है, वो फॉर्मेट फॉलो करते हैं अपन, गुडविल एट जबकि एक्विजिशन इसमें, लिख देता हूँ। हाँ इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बट दैट इज हाउ यू आर सपोज टू डू। ओके इसमें दिस माइनस दिस, ठीक है, तो दिस इज गुड, इन्वेस्टमेंट्स मैंने कितने किए थे, 60, 180, 180 मिलियन इन्वेस्टमेंट किए थे। नेट एसेट्स मेरा बनता है 70 का। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई कुछ दिया हुआ है क्या, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई 14 दिया हुआ है, तो 124 का बनता है इम्पेयरमेंट। करेक्ट, बट नाउ दिस 124 इज इन, वेट 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 वेट, दिनार्स हाँ इज दिनार्स, इन, करेक्ट करेक्ट, तो उसको कन्वर्ट करेगा, बट एट क्लोजिंग ओनली नो, करेक्ट, क्लोजिंग रेट। तो क्लोजिंग रेट जो मेरा है वो है 2, तो माय गुडविल वुड बी 62। करेक्ट, ओके तो चेक कर। अरे और नीचे नीचे, या 62 मिलियन, तो म्यूटेड है। ये रहा 62 राइट। अभी नेक्स्ट एक्सचेंज डिफरेंसेस, Process of translating an overseas subsidiary gives rise to exchange gains and losses.
The gains and losses arises from the following reason: goodwill, opening net asset, and profit. Goodwill is retranslated each year and at the closing rate. It will therefore increase or decrease in value simply because of the exchange rate movement. Opening net asset at the end of the prior year, the net asset of the subsidiary were translated at the prior year closing date. This year, these same net assets are translated at the year's closing rate. Therefore, opening and net asset would increase or decrease simply because of the exchange rate movement. Profit, the income and expense, and therefore the profit of the overseas subsidiary are translated at the average rate. However, making a profit increases the subsidiary's asset, which are translated at the closing rate. This disparity creates an exchange gain or loss. Basically, वही है, opening closing rate different रहेगा, तो फिर अपन जब transfer करेंगे, तो there will be a gain or loss that should be transferred. तो current year exchange gain or losses on the translation of an overseas subsidiary and its goodwill are recorded in the OCI. तो इनका जो gain या loss होगा, वो OCI में record किया जाएगा. अब goodwill transition, तो जैसे देखो goodwill में जो goodwill का अपने calculation किया था ना, अब इसमें ये लोग क्या करते हैं, इसका performa बनाते हैं. ओपनिंग गुडविल, ठीक है, इनटू जो भी इनटू या डिवाइड बाय द रेट, एंड फिर हम लोगों को मिल जाता है उसका आंसर, मतलब उसका वैल्यू, दैट इज द ओपनिंग रेट. फिर तो इम्पेयरमेंट लॉस रहेगा, उसका जो रेट रहेगा उससे जो तू करेगा तो तेरे को मिल जाएगा इम्पेयरमेंट का वैल्यू. फिर तेरे को क्लोजिंग मिलेगा, क्लोजिंग तू फिगर आउट कर लेगा, उसके बाद उसका रेट, एंड फिर यू विल गेट द क्लोजिंग का वैल्यू, एंड द डिफरेंस बिटवीन देम विल बी योर एक्सचेंज गेन और लॉस. Which will go into your OCI का figure. That is what the performer sees. ऐसा goodwill का भी रहता है, net assets का भी रहता है, ये दोनों का रहता है. तो this will play an important part ahead. तब तक ओपनिंग इतना गुडविल समझ का ले. वैल्यू मेरे पास होगा, वो कैसे होगा? मतलब मेरे को वो लोग दे देंगे गुडविल एट एक्विजिशन, या मतलब गुडविल? मतलब this is the purchase जो goodwill है ना, हाँ वो तेरा opening goodwill रहेगा. नहीं, आई थिंक ओपनिंग ऐसा ही कुछ है, अपन पढ़ेंगे ना, सॉल्व वो आगे लोग तेको देंगे, समझ बोलते जाएगा. हैं गुडविल ना ओपनिंग, वो लोग देंगे. ये देख देख, नीचे दिया हुआ है, इफ सब्सिडी वाज परचेस पार्ट वे थ्रू द करंट ईयर देन सब्स्टिट्यूट ओपनिंग गुडविल फॉर गुडविल एट एक्विजिशन. गुडविल एट हाँ, एक्विजिशन बी ट्रांसलेटेड एट द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑन द एक्विजिशन डेट. तो वो लोग खुद से देंगे शायद. तो नहीं, मैं तेको बताती हूँ. मैंने तेको बोला था ना, गुडविल एट एक्विजिशन बिफोर इम्पेयरमेंट, हाँ दैट हाँ इज द गुडविल विच विल कम वो योर इन द मतलब ओपनिंग. ये वाला दिस थिंग. या एंड द वन पोस्ट इम्पेयरमेंट जो 124 आया है, दैट इज द क्लोजिंग वन. यस, पोस्ट इम्पेयरमेंट जो आया, दैट्स द क्लोजिंग वन. एंड इट देयर आर चांसेस दैट इट कैन बी द सेम. द क्लोजिंग एंड द ओपनिंग कैन बी सेम, बट द रेट्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग विल बी डिफरेंट, बिकॉज़ ओपनिंग गुडविल विल बी मेजर्ड एट द ओपनिंग यहाँ रेट, पर क्लोजिंग शायद विल बी दो का मेजर्ड. रेट चल रहा होगा, यहाँ पे शायद 2.5 का रेट हाँ, चल रहा होगा. ओके, करेक्ट. राइट राइट राइट, मेक सेंस. मैं वही सोच रहा था कि इन दोनों का जो का जो फर्क है वो तो सिर्फ इम्पेयरमेंट ही है, बट द डिफरेंस इन द रेट इज द एक्सचेंज गेन और लॉस. राइट, समझा. तो देयर कैन बी चांसेस कि अपना ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम हो, मतलब इट इज नॉट कंपलसरी जस्ट इन दिस केस. वैसा इफ द सब्सिडरी वाज परचेज पार्ट वे थ्रू द करंट ईयर, ये तो अपने पढ़ लिया. इट इज इंपॉर्टेंट टू पे अटेंशन टू द मेथड ऑफ गुडविल कलेक्शन. इफ द फुल गुडविल मेथड हैज बीन यूज्ड, गेन एंड लॉसेस विल नीड टू बी अपोर्शन बिटवीन द ग्रुप एंड द एनसीआई, एंड इफ द प्रोपोर्शनल गुडविल मेथड हैज बीन यूज्ड, देन ऑल द एक्सचेंज गेन और लॉसेस ऑन गुडविल इज एट्रिब्यूटेड टू द ग्रुप. तो अगर फुल गुडविल मेथड यूज करते हैं तो उसका जो गेन और लॉस होगा, मतलब जो तेको आंसर आएगा थ्रू द गेन एंड लॉस, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू GRE एंड NCI. इट इज नॉट GRE, इट इज ग्रुप, जिसका एक अलग वर्किंग नोट बनता है, एंड NCI में ट्रांसफर होता है एक अमाउंट. और अगर वो प्रोपोर्शनल गुडविल रहेगा तो फिर पूरा का पूरा गेन और लॉस एट्रीब्यूटेड टू द ग्रुप हो जाएगा. द ग्रुप इज अ डिफरेंट वर्किंग नोट विच विल कम आगे. इलस्ट्रेशन ठीक है. थ्री ट्रांसलेटिंग यूजिंग द इंफॉर्मेशन. गुडविल यूजिंग द इंफॉर्मेशन इलस्ट्रेशन वन, कैलकुलेट द एक्सचेंज गेन और लॉस अराइजिंग ऑन द ट्रांसलेशन ऑफ द गुडविल दैट विल बी क्रेडिटेड और चार्ज थ्रू द ओसीआई इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001. सो द वन दैट वी पर. हाँ, तो हमको गुडविल एट एक्विजिशन इतना आया था, 124 आया था, बराबर है? तो ऐसे नहीं, तो उसी परफॉर्मा में बनाएगा, जो परफॉर्मा दिया है ना तो हाँ, तो मैं वही लिखेगा गुडविल एट ओपनिंग एक्विजिशन, मतलब मैं गुडविल. इसको ओपनिंग गुडविल बोल रहा हूँ, मतलब ठीक है, अभी लिख हाँ, चाहिए तो ओपनिंग ओपनिंग गुडविल
गुडविल। 124 एट एन ओपनिंग रेट क्या था अपना, 2 था हाँ, एक मिनट ना, इम्पेयरमेंट लॉस, देन यहाँ पे तू बोल रही थी कि एक्सचेंज आएगा ना, मतलब एक्सचेंज डिफरेंस, ना। एंड यहाँ पे एक्सचेंज गेन और लॉस, ओके 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 और नीचे आ जाएगा क्लोजिंग गुडविल। हाँ ठीक है, एक्सचेंज डिफरेंस लिख दिया है अभी मैंने। क्लोजिंग गुडविल मेरा 124 ही आएगा ना, करेक्ट, ठीक है, लेकिन जो रेट है उसमें डिफरेंस, इंपेयरमेंट लॉस तो कुछ भी नहीं है, जीरो, ठीक है। रुक जाते हैं जरा यहाँ पे, ये क्लोज, रुक जाइए, ठीक है। हाँ इन ये जहाँ दिस डिवाइड बाय दिस, ये तो जीरो ही है अभी। रेट, मेरा रेट क्या है, ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, हाँ, ओपनिंग वॉज 3, क्लोजिंग, सपोज अगर इम्पेयरमेंट का रहता तो तू किस रेट से करता? अगर सॉरी, इम्पेयरमेंट होता तो तू किस रेट से उसको करता? इम्पेयरमेंट मेरा एक्सपेंस है तो मैं एवरेज रेट से करता। नाइस, तो ये है क्या आंसर? क्या मैं देखा ही नहीं, तूने क्या आंसर निकाला? ओके, 20 पॉइंट्स, हाँ सही है ना। नाइस नाइस, हो गया So now अभी। this will be distributed between the AGR, this group and the NCI इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ग्रुप एंड and एनसीए NCI. में, क्या मतलब, लेकिन रेट तो सेम ही ना, लाइक 90% हाँ, एक्सचेंज 90% रेट। and 10%. ठीक, ठीक है, बराबर। एनबी, एनसीआई टेक्स अ शेयर ऑफ द फॉरेक्स गेन ऑन ट्रांसलेशन ऑफ गुडविल एज द फेयर वैल्यू मेथड इज यूज्ड बाय ड्रैगन टू वैल्यू द एनसीआई। अच्छा, फेयर वैल्यू उसके, इसलिए एनसीआई में वो हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट। तो एनसीआई में ना ये ऐसे दिखता है, फेयर वैल्यू, ये क्या बोलते हैं, फॉरेक्स गेन, मतलब शेयर ऑफ द फॉरेक्स गेन, ऐसे करके वो लाइन आता है ओके एनसीआई में। ओके, फिर ओपनिंग नेट एसेट्स एंड प्रॉफिट बताओ, ये क्या है? ये भी सेम एज गुडविल ही है। ओपनिंग एंड नेट एसेट एंड प्रॉफिट, अगेन वी हैव एन ओपनिंग नेट एसेट प्रॉफिट एक्सचेंज गेन एंड लॉस एंड क्लोजिंग नेट एसेट। द एक्सचेंज गेन और लॉसेस अराइजिंग ऑन द ट्रांजिशन ऑफ द ओपनिंग नेट एसेट एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर जनरली कैलकुलेटेड टुगेदर। द परफॉर्म ऑफ कैलकुलेटिंग द करंट ईयर एक्सचेंज गेन और लॉसेस ऑन द ट्रांसलेशन ऑफ द ओपनिंग नेट एसेट एंड प्रॉफिट इज एज फॉलो। दिस इज अ वर्किंग नोट टू, जिसमें से अपन को जो प्रॉफिट मिलता है वो अपन डाल देते हैं, ओपनिंग जो रहता है, क्लोजिंग जो रहता है वैसा, और अपन को एक्सचेंज रेट मिल जाता है बीच में। ठीक है, इफ द सब्सिडियरी वाज परचेज पार्ट वे थ्रू द करंट ईयर, देन द सब्सिट्यूट ओपनिंग नेट एसेट एंड ओपनिंग रेट फॉर एक्विजिशन नेट एसेट एंड एक्विजिशन रेट। तो मतलब ओपनिंग के लिए ओपनिंग रेट रहेगा, क्लोजिंग के लिए क्लोजिंग रेट रहेगा, और प्रॉफिट के लिए एवरेज रेट रहेगा। द गेन और लॉस इन द ट्रांसलेशन ऑफ द ओपनिंग नेट एसेट एंड द प्रॉफिट इज अपोर्शन बिटवीन द ग्रुप एंड द एनसीआई बेस्ड ऑन देयर रेस्पेक्टिव शेयर होल्डिंग। अगेन सेम एज गुडविल विल इन अपोर्शन इट। नाउ अगेन विद दैट सेम इलस्ट्रेशन यू हैव टू फाइंड आउट दिस, दिस इज द सोल्यूशन। सेम इंफॉर्मेशन के साथ फाइंड आउट द नेट एसेट ओके, वाला। ठीक तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, क्या रेट अभी के लिए जीरो कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड एक्सचेंज गेन और लॉस, और फिर यहाँ पे आता है क्लोजिंग नेट एसेट्स, अभी सबसे पहले ओपनिंग नेट एसेट्स मेरे को 70 मिला था,
क्लोजिंग नेट एसेट्स मतलब पोस्ट एक्विजिशन की बात हो रही है क्या ये, या फिर रिपोर्टिंग की बात हो रही है? रिपोर्टिंग होना चाहिए रिपोर्टिंग सही होना चाहिए ना। है। होना रिपोर्टिंग करते थे। अभी मतलब सुते को समझा कैसे क्या, मतलब मैं बताऊं क्या, क्लोजिंग नेट एसेट ना विल नॉट टेक 220, व्हाट विल डू इज विल टेक प्रॉफिट। डू यू सी स्क्रॉल ऊपर, वी आर प्रोवाइडेड विद द प्रॉफिट 150 एट पोस्ट एक्विजिशन। 150 इज अपना प्रॉफिट ना, हाँ तो उस 150 को लेंगे, फिर 150 प्लस 70 इज व्हाट यू गेट एज 220। ऐसा ऐसा। नहीं, 70 और 150 है अपने पास, 220 अपन ने कैलकुलेट किया टोटल, अच्छा ओके समझा ओके, देखो। तू बोल रही है कि अपन ने बीच का कॉलम कैलकुलेट किया रादर देन डूइंग ऑल दिस। हाँ मतलब 150 वाज सपोज टू बी द वन देयर ओके एंड 70 प्लस 150 शुड बी 220, ऐसा। ठीक। अभी ओपनिंग का रेट 3 है, प्रॉफिट और लॉस की बात हो रही है, तो प्रॉफिट एंड लॉस मतलब पीएनएल एवरेज का 2.6 टू पॉइंट सिक्स और यहाँ पर क्लोजिंग मतलब 2। तो अभी डिफरेंस पे आने से पहले एक्चुअली अपने को प्रॉफिट है ना, तो सबसे पहले आपने वो शायद इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, देन वी हैव टू माइनस दिस एंड दिस, तो 28.97 आता है। हाँ परफेक्ट। हाँ तो 29 लिखा है इन्होंने। ठीक। तो अभी इसको अभी वापस एक बार डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सेवन 2.89, 26.07, 2.1 लिया उन्होंने, और 20 और 2.89 को 2.9 लिया। ठीक है परफेक्ट। मतलब फर्स्ट डेसिमल तक, 1 डेसिमल तक कर देने का, हाँ ठीक है क्लोज। फिर एक्सचेंज डिफरेंस ऑन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एक्सचेंज गेन एंड लॉसेस राइजिंग फ्रॉम द ट्रांसलेशन ऑफ द गुडविल एंड द सब्सिडियरी ओपनिंग नेट एसेट एंड प्रॉफिट व्हिच आर अट्रिब्यूटेबल टू द ग्रुप आर नॉर्मली हेल्ड इन ट्रांसलेशन रिजर्व अ सेपरेट कंपोनेंट विद इन द इक्विटी। तो मैं जो तेरे को बोल रही थी ना कि द एक्सचेंज गेन एंड लॉस इज अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसलेशन ऑफ गुडविल एंड द सब्सिडरी ओपनिंग नेट एसेट एंड प्रॉफिट विच आर एट्रीब्यूटेड टू द ग्रुप, जो ग्रुप पे अपन एट्रीब्यूट कर रहे हैं एनसीआई ग्रुप में, जो तो ग्रुप वाला जो है एंड नॉर्मली हेल्ड इन ट्रांसलेशन रिजर्व अ सेपरेट कॉम्पोनेंट विद इन द इक्विटी। तो उसका जैसे वर्किंग नोट एनसीआई का रहता है, रिटर्न रिटेन अर्निंग्स का रहता है, वैसे एक ट्रांसलेशन रिजर्व बनता है वर्किंग नोट, जिसके अंदर अपन ग्रुप का जो अपन कैलकुलेट करते हैं शेयर वो उसमें डालते हैं, ऐसा बोला है। ओके अभी यूजिंग इंफॉर्मेशन इन इलस्ट्रेशन 1, कैलकुलेट द एनसीआई रिटेन अर्निंग एंड ट्रांसलेशन रिजर्व फॉर इंक्लूजन इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2001। सो अगेन बैक टू द सेम थिंग, यू हैव टू कैलकुलेट एनसीआई जी ग्रुप रिटेन अर्निंग्स एंड ट्रांसलेशन रिजर्व। ठीक है। एनसीआई कैलकुलेट करना है, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स एंड ट्रांसलेशन रिजर्व। अभी एनसीआई में सबसे पहले मुझे क्या क्या रिक्वायर्ड है? मतलब अपन एनसीआई का नॉर्मल फॉर्मेट जो रहता है वही पहले प्रेजेंट कर लो, ठीक है। मतलब दैट विल बी एनसीआई एट एक्विजिशन, हाँ एड एनसीआई पोस्ट एक्विजिशन, लेस इम्पेयरमेंट, फिर बाद में तू इसमें वो भी ऐड करेगा जो हमने एनसीआई कैलकुलेट किया था ना ग्रुप और एनसीआई का, तो ठीक एनसीआई एट फॉरेक्स, मतलब फॉरेक्स डिफरेंस क्या बोलते हैं उसे, इसको बोलेंगे हम एनसीआई गुडविल ट्रांसलेशन एंड एनसीआई नेट प्रॉफिट एंड गुडविल सुन दो, ट्रांसलेशन। पोस्ट एक्विजिशन शेयर इन एनसीआई, और क्या आता है, इम्पेयरमेंट लॉस, शेयर इन इम्पेयरमेंट लॉस,
अभी जो मैंने इस से वो नेट एसेट्स के लिए भी दिया था वो भी डाल हाँ शेयर हाँ इन वो नेट ऐड एसेट्स एंड एक्सचेंज। शेयर इट ट्रांसलेशन लिख नेट एसेट ट्रांसलेशन नेट एसेट्स एक्सचेंज, हाँ ठीक है ठीक है, 1 मिनट रुक गया। लेकिन नेट शेयर इन नेट एसेट्स ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन FE, शेयर इन गुडविल ट्रांसलेशन, शेयर इन गुडविल ट्रांसलेशन फॉरेन एक्सचेंज में एंड शेयर इन ये ऐड पोस्ट एक्विजिशन शेयर भी ऐड ऐड इंपेयरमेंट लॉस माइनस। अरे यार हाँ यहाँ हाँ कहाँ पर पहुंचे थे हम। के लिए फेयर वैल्यू का ये एडिशन, पोस्ट एक्विजिशन शेयर इन एनसीआई एडिशन, ये भी एडिशन, ये भी एडिशन और माइनस शेयर इंपेयरमेंट लॉस, फिर ट्रांसलेशन रिजर्व। ये मैंने कभी किया नहीं है, ये तेरे को मेरे को बताना पड़ेगा क्या है। हाँ इसमें इतना बस वो दोनों जो ग्रुप का था ना जो अपने कैलकुलेट किया ऊपर बस वो दोनों आ जाएगा। अच्छा जैसे ओके ओके तूने ओके, एनसीआई हाँ का डाला ना वैसे तू बस ग्रुप का डाल दे। तो एक्सचेंज डिफरेंस बोल रही है तू बेसिकली, एक्सचेंज मैं डिफरेंस। बोल रही हूँ ग्रुप शेयर ऑफ गुडविल फॉरेक्स एंड ग्रुप शेयर ऑफ नेट एसेट एंड प्रॉफिट फॉरेक्स। गुडविल एक्सचेंज डिफरेंस इन नेट एसेट्स, फिलहाल मैं इसको ऐसे लिखता हूँ मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये तो बहुत छोटा रहेगा ना फिर, ये दो ही चीजें हाँ जाएंगी सिर्फ तो दो ही आइटम है करेक्ट। ये दोनों का जो डिफरेंशियल अमाउंट था नहीं मैंने उनको नहीं लिखा। नहीं नहीं तो फिर ये तूने नहीं मेरे को ये तो लिखेगा बोला, तू तू शेयर लिखेगा उसका। द शेयर शेयर जो तूने कैलकुलेट किया 90%। ग्रुप का। हाँ अच्छा तो ओके, बिकॉज ट्रांसलेशन रिजर्व अपने लायबिलिटी साइड में एज अ रिजर्व जाता है, इसके लिए सिर्फ 90% का लिखेंगे। ओके गॉट इट, हाँ ये तो फिर बहुत ही छोटा बन गया, ये तो होप हो गया। फिर थर्ड चीज तो क्लियर हो गई, अभी सेकंड और ये रही फर्स्ट। अब देख, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन, मेरे पास 14, कहाँ गया अभी वो क्वेश्चन, 14 दिराम्स थे, 14 दिराम्स थे एट एक्विजिशन, तो 14 डिवाइड बाय 3, क्योंकि ओपनिंग मेरी 3 की थी। अभी करेक्ट पोस्ट एक्विजिशन शेयर इन एनसीआई, यहाँ पे ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया, तो यहाँ पे मेरे को 90% एंड 10% ये मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 150 का नहीं, और ये 10% ये इसका, अभी ये पोस्ट एक्विजिशन है, सो 15 डिवाइडेड बाय 2। नहीं पोस्ट एक्विजिशन है ना हाँ पोस्ट एक्विजिशन, दैट इज दैट क्लोजिंग रेट ना। हाँ मतलब वही क्लोजिंग रेट तो 2 ना कि अरे नहीं सेकेंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है ये।
पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, ओके प्रॉफिट है, तो इसके लिए इट विल बी 2.6। फिर शेयर इन नेट एसेट्स ट्रांसलेशन एफई, ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ था। देखो। शेयर इन नेट एसेट्स ये रहा, शेयर इन नेट एसेट्स ट्रांसलेशन गुडविल ये रहा, इम्पेयरमेंट नहीं है इस सब में, तो 15.4 का आता है क्या एनसीआई? ठीक है, हाँ पता है रिटेंड अर्निंग्स में मैं स्टार्टिंग में सिर्फ मेरा ही डालूंगा ना, ये जो मेरे पास है 290, यस तो ये मैंने डाल दिया 290। पोस्ट एक्विजिशन शेयर इन रिटेंड अर्निंग्स ये रहा 135, ट्रांसलेशन डिवाइडेड बाय वन नेट थर्टी एसेट, फाइव ओ राइट राइट राइट, यहाँ पर मैंने डिवाइड नहीं किया हुआ है, बाकी सब जगह पे डिवाइडेड है, यहाँ पर डिवाइडेड बाय रिटेंड अर्निंग्स है ना, तो ये मेरा 2.6। प्रॉफिट ही है, लेकिन वो मेरा तो टू पॉइंट हाँ सिक्स ही यस सर। 2.6 ही 2.6 ही। शेयर इन नेट एसेट, शेयर इन गुडविल, इंपेयरमेंट लॉस नहीं, तो 386.6। 341.9। ओके आई फॉरगॉट टू टेल यू सॉरी। इसमें अपन वो शेयर इन नेट एसेट एंड शेयर इन गुडविल नहीं डालते हैं बिकॉज वो अपना ओके ऑलरेडी इसमें जा रहा है ट्रांसलेशन रिजर्व में, तो इसमें हम नहीं डालते हैं। अच्छा ओके, तो हाँ बेसिकली यहाँ पर जो हम लोग नए दो जो अपने यहाँ पे चीज सीखी एसबीआर में, इसके जो नए बन रहे हैं ये ग्रुप में जा रहे हैं, तो ये ग्रुप में जो अपने नाम दिए, इट इज नॉट ग्रुप, इट इज एक्चुअली ट्रांसलेशन रिजर्व। करेक्ट ओके दैट्स व्हाई। और यहां पर जो है दिस इज जीआरई, ठीक, वेयर एज सेम केस एनसीआई में नहीं है, बिकॉज एनसीआई वो कहां पर भी जाए अपने को उससे मतलब नहीं है, इट इज अ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इसके लिए। सही सही सही, तो ये दोनों चीजें यहां पर जाती है रादर देन ग्रुप रिटेंडर। ठीक है फेयर इनफ फेयर इनफ फेयर इनफ। नेक्स्ट नाइस। ठीक है, नेक्स्ट इज अ नाइस क्वेश्चन। नाउ इट इज यूजिंग द इंफॉर्मेशन रिलेशन कंप्लीट द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रॉफिट लॉस एंड एफडीए ओसीएफ फॉर द ईयर। अब देखो बस वो फॉर्मेट क्लब करके देखो पीएनएल और फाइनेंशियल अच्छा स्टेटमेंट ये सिर्फ बनाना है। हाँ फॉर्मेट बताया हुआ है, ठीक है। फॉर्मेट मतलब तूने जो अभी तक कैलकुलेट किया सब कुछ उसको अब तू क्लब करेगा ना कंसोलिडेशन में। तो ये अपना प्रॉफिट था बराबर है, प्रॉफिट ऑफ पीएनएल, इसमें उन्होंने ओसीआई का नया कॉलम बनाया, उसमें ये एक्सचेंज डिफरेंस को डाला 49.7 को, एक्सचेंज डिफरेंस ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन फॉरेन सब्सिडरी, ये जो है ये 49 कहाँ से बन रहा था, अच्छा ये था, ये प्रॉफिट एक्सचेंज ओके पहुंच गया है दिस द टोटल ऑफ द डिफरेंस, ठीक, मतलब वो तो है ही ना ओसीआई में जाने वाला था तो। बराबर। तो द एंट्री एक्चुअली द डेबिट एंट्री वुड बी ओसीआई अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, तो देखिए ये तो ओसीआई अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, वो एंट्री है जर्नल एंट्रीज की। फिर प्रॉफिट अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किया इन दोनों को, 10% ये एनसीआई 150 डिवाइड बाय 2.6, और यहाँ पर एक मिनट एक मिनट, 150 डिवाइड बाय 2.6 इन्होंने क्वेश्चन में दिया था ना, यहाँ पर 150 का प्रॉफिट दिया हुआ था डिवाइडेड बाय एवरेज विच इज द विच इज 2.6, एंड देन उसको डिस्ट्रीब्यूट किया 10% पे, तो वो गया अपना एनसीआई में। हाँ ये हो गया, उन्होंने किया डिस्ट्रीब्यूट, और उस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ओसीआई में सेम सेम डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ओसीआई में भी, उसके बाद ये नहीं तू तो ऊपर ऊपर नॉर्मल जा ऊपर जा गया ऊपर जा। तूने सेकंड पार्ट देखा 10.8 टेन वाला, 10.8 पॉइंट एट का, कैसा आया? तो ये जो 5.8 था ये तो अपना नॉर्मल प्रॉफिट था बराबर, और प्लस वो गेन और इसके लॉस
अभी इसके अंदर ओसीआई यहाँ का पर ऐड किया। ओसीआई था ना, ये ओसीआई 49.7, इसके अंदर 20.7 और 29 में जो डिफरेंस रहेगा 10% और 10% का, वो होगा बराबर है। करेक्ट, मतलब इन लोगों ने बेसिकली 2.1 2.9 ऐड किया है। दिस इज दैट 2.1 2.9 नॉट 20.7 एंड 29। अच्छा ओके ओके इज द सेम थिंग ना, ओके, अभी ऐसा इसमें टेन डायरेक्टली परसेंट टेन जो परसेंट शेयर ले है लिया। इसका, हाँ। 10% और 10% इन्होंने यहाँ यहाँ पर ऐड किया, और बाकी का ऑटोमेटिकली जब माइनस करते टाइम उधर ओनर्स में चला गया, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज जस्ट द एडिशन। और ये तो ये दोनों चीजें इसमें बेसिकली तू देखेगा तो रिटेन अर्निंग्स के बाद ट्रांसलेशन रिजर्व डाला गया है जो अपन कभी नहीं डालते, दिस इज न्यू फॉर अस, और एनसीआई नॉर्मल, हाँ सब नॉर्मल है। समझा। अभी ये TYU है, तो U2 TYU3 सही है। रुक जाओ, पेरेंट इज एन एंटिटी दैट ओन्स 80% ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ ओवरसीज, अ फॉरेन एंटिटी दैट हैज द शिलिंग एज इट्स फंक्शनल करेंसी। ओके, द सब्सिडरी वॉज एक्वायर्ड ऑन 1st of January 2017 व्हेन इट्स रिटेन्ड अर्निंग्स वेयर 6,000 शिलिंग्स। द रिपोर्टिंग डेट इज 31st of December 2017। अच्छा रुक जाता, सबसे मुझे क्रिएट क्या करना है वो देख लेता हूँ। डिस्कस हाउ द गुडविल अराइजिंग ऑन एक्विजिशन ऑफ ओवरसीज शुड बी डेल्ट विद इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द पेरेंट ग्रुप फॉर द ईयर एंडेड 31st of December 2017। गुडविल अराइजिंग ऑन एक्विजिशन, इसका डील कैसे करेंगे? ओके तो अगर मुझे गुडविल ही कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तो मुझे वर्किंग नोट्स में नेट एसेट्स लगेगा। नेट क्या राइट, गुडविल, नेट एसेट, गुडविल नेटवर्किंग इसका तो पोस्ट एक्विजिशन दिस रिपोर्टिंग माइनस एक्विजिशन पर्टिकुलर्स कैपिटल रिटेन्ड फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, तो ये मैंने लिंक दे दिया। चलिए यू नो व्हाट, ये लिंक से बेटर है कि मैं यहाँ पे जो ट्रांसलेट करूँगा उसका लिंक दो। सो ये वाला लिंक देता हूँ। तो सबसे पहले हाँ, व्हेन इट वाज एक्वायर्ड द रिटेन्ड अर्निंग्स वाज 6,000 शिलिंग्स। तो 6,000 शिलिंग्स एट द एक्विजिशन डेट द फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स ओवरसीज वॉज इक्वल टू द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ फ्री होल्ड लैंड। द फेयर वैल्यू ऑफ दिस लैंड एक्सीडेड इट्स कैरिंग अमाउंट बाय 4,000 शिलिंग्स। फेयर वैल्यू ऑफ लैंड, एंड लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, सो 4,000, 4,000 दैट्स नाइस। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन ओवरसीज शुड बी मेजर्ड यूजिंग फेयर वैल्यू ऑफ 5,000 शिलिंग्स।
एनसीआई एट फेयर वैल्यू, सो ये मेरा 5,000 शेलिंग्स है, तो इसका ट्रांसलेशन कुछ तो होगा, वो बाद में देखते हैं। इन्वेस्टमेंट एंड ओवरसीज एट कॉस्ट, तो ये दिया गया 3,818, 3,818 अभी तो इसको शिलिंग्स में नहीं कन्वर्ट करेगा। रुक जाना, कर रहा हूँ ना, बाकी सब बाद में करता हूँ, रुक जा। रिटेन्ड अर्निंग्स यहाँ पर 8,200 एट द रिपोर्टिंग डेट, और यहाँ पर शेयर कैपिटल जो मेरा बनता है वो है 10,000 का। तो अब ये जो 20,000 है मुझे इसको डिवाइड करना होगा एड एक्विजिशन से, तो एट एक्विजिशन मेरा जो एक्सचेंज रेट था रेलिवेंट एक्सचेंज रेट्स में होता 5.5, क्योंकि 1 जनवरी को किया गया, सो दिस वुड बी 20,000 डिवाइड बाय 5.5, तो ये आता है जितना भी आता है वो। एंड एनसीआई एट फेयर वैल्यू अभी वो मुझे करना है ना, माइनस दिस प्लस, अभी एनसीआई एट फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ही बोला है, बट एनसीआई इज एक्चुअली प्रॉफिट क्या? नहीं रे, नहीं एनसीआई ओपनिंग वैल्यू भी होगा ना, प्रॉफिट में कहाँ आता है एनसीआई? पीएनएल नहीं में जिस पे जाता है ओपन एनसीआई। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पर वो वाला प्रॉफिट रहता है, दिस इज नॉट प्रॉफिट। हाँ दैट विल बी, डिवाइड बाय 5.5 मेरा ये बनता है 1,090.727। नाउ अब मुझे निकालना है गुडविल एट रिपोर्टिंग डेट, देन मुझे एक्सचेंज का डिफरेंस आएगा। अब फॉर गुडविल एट रिपोर्टिंग डेट, फॉर गुडविल एट रिपोर्टिंग डेट आई वुड हैव टू डिवाइडेड बाय 5, तो मुझे वापस पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये 20,000 का नेट एसेट्स, वो सारी सारी चीजें फिर से एक बार शेलिंग्स में करनी पड़ेंगी, लेकिन शेलिंग्स शेलिंग्स एनसीआई जिस 5,000, हाँ अभी मेरे को जो तू बोल रहे ना इन्वेस्टमेंट, ये मुझे यहाँ पर करना है 3,818 इंटू, अभी मैंने इन्वेस्टमेंट किया था एक्विजिशन रेट पे, एक्विजिशन रेट पे मेरा वैल्यू था 5.5, रेट था 5.5, दिस प्लस दिस माइनस दिस वुड गिव मी गुडविल एट क्लोजिंग भी, इसको मुझे गुडविल एट क्लोजिंग निकालना है, गुडविल एट क्लोजिंग विच इज डिवाइड बाय 5, तो भी इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज एक्सचेंज एक्सचेंज डिफरेंस ना, विच इज ऑल्सो क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन एक्सचेंज बोल देता हूँ फिलहाल, नहीं ट्रांसलेशन रिजर्व, विच इज 109.07। पेज नंबर 30 में चेक कर देता हूँ, ये रहा 109 और ये रहा 109, लेकिन इसको मुझे स्प्लिट करना पड़ता है क्या दोनों में?
दोनों में स्प्लिट करना है। हाँ बट तू स्प्लिट क्यों करेगा, तुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्या पूछा गया? डिस्कस हाउ द गुडविल एजुएशन एक्वेशन ऑफ ओवरसीज शुड बी डेल्ट विद इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पेरेंट ग्रुप फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2017। वो तो तो अपन स्प्लिट दिखाएंगे, सिर्फ गुडविल का ही कैलकुलेट करेंगे ना। बस इधर तक ही है फिर, मतलब सॉल्यूशन। मतलब ये पेरेंट ग्रुप का भी अपन दिखाते हैं, मतलब ये पेरेंट ग्रुप का अपन तो पूछा है ये वाला पार्ट इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, इन लोगों ने किया है, बट मैं पूछ रही हूँ अपन को ये पूछा है क्या। इट इज अ पार्ट ऑफ द गुडविल ना, मतलब पार्ट ऑफ द गुडविल का वो मे सेपरेशन बी दिखा रहा है। दिस इज लाइक अ फॉर्मेलिटी कि अगर इतना किया है तो फिर यू हैव टू शो द शेयर ऑल्सो 80% and 20% ऐसा। बट यू आर राइट कि फाइनेंशियल हाँ स्टेटमेंट में तो यही वाली फिगर जाएगी। ओ ठीक है, फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। तो ये रहा 87 and 21.81। ये ओके, ये हो गया DYU2, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये रहा सेंट एंड एल्बांस।